कैसे हो आप सब लोग यार। अवर ऑल ऑफ यू डूइंग वेलकम बैक टू जॉय शेविंग चैनल। और आज टाइम मेरे पास सिर्फ इतना है कि वन पास शेव करूंगा, फटाफट प्रोडक्ट दिखाता हूँ। सुपर मैक्स अल्टीमेट शेविंग क्रीम विच इज लेमन लाइम, लीमा लिमोन सिट्रॉन लाइम। सो ये वाला शेविंग क्रीम काफ़ी टाइम से रखा हुआ था, मुझे यूज़ करने का मन था, सो आज वन पास शेव के लिए डेफिनेटली यूज़ करूँगा। फिर मैंने अपने ब्रशेस वाले वीडियो में बताया था कि मैं ये वाला ब्रश यूज़ करूँगा, इसकी डिटेल्स डेफिनेटली आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में बता दूंगा। बट सीम्स नाइस टक्सेडो नॉट, इसको यूज़ करूंगा। उसके बाद में रोमर 7 गोल्डन ब्लैक रेजर, वेरी फेमस फॉर यू नो इट्स मीडियम एग्रेसिवनेस टू एग्रेसिवनेस, वन पास शेव के लिए डेफिनेटली बहुत सही रहेगा। और ब्लेड वही है पार्कर, थर्ड यूज पे। उसके बाद में मैं एलम यूज़ करूंगा एज एन आफ्टर शेव, मायामी कुलकुल आफ्टर शेव एलम 10 रुपये का, सिंपल, ज़्यादा कुछ आज नाटक नहीं। सो फटाफट स्टार्ट करता हूँ लादरिंग। ब्रश को थोड़ा सा गीला किया है, आप चाहे तो शेविंग क्रीम को इस पर भी लगा सकते हो, मैं जनरली यहाँ लगाना प्रेफर करता हूँ, थोड़ा सा वन पास ही करना है, ज़्यादा ज़रूरत ही नहीं है आज, वेरी लिटिल। और ये लादरिंग चालू। अच्छा डेंस नॉट है ब्रश का, बहुत बढ़िया। काफ़ी बढ़िया लादर बना, थोड़ा सा उंगलियों को भी लग गया है, कुछ नहीं कर सकते, इसको धोना पड़ेगा। फर्स्ट पास विथ ग्रोथ, कलम क्लियर कर लेते हैं, नीचे का भी थोड़ा सा एरिया क्लियर कर लेते हैं, थोड़ा सा ऊपर नीचे हो गया तो भी हर्ज नहीं यार, आप अकेले ही हो टॉयलेट में, कौन देखने वाला है आपको, इतना लोड नहीं लेने का था इसमें। फर्स्ट पास एंड द ओनली पास। बाबा क्या मस्त रेजर है यार ये रेजर एक पास के लिए बना हुआ है। ऑफ कोर्स इससे आप सेकंड और थर्ड पास भी कर सकते हो, लेकिन अगर आपको सिर्फ एक पास शेव करना है उसके लिए सबसे शानदार रेजर है। एक बार में पूरा देखो, सफा चट क्लियर, नो इश्यूज, नो प्रॉब्लम्स। थर्ड शेविंग पे भी पार्कर की ये ब्लेड इतनी बढ़िया परफॉर्म कर रही है, एकदम स्मूथ।
खलास फिनिश, वन पास शेव डन, एलम लगाएंगे रिंस करने के बाद काम खत्म। अभी रिंस कर लिया है और रिंस करने के बाद में स्टबल बचा हुआ है। अगर मैं अगेंस्ट द ग्रेन करता हूँ या क्रॉस द ग्रेन करता हूँ तो भी स्टबल बचा हुआ है, लेकिन आज मेरा एम BBS करने का है ही नहीं, आज मेरा वन पास शेव करने का। और आज का क्वेश्चन एंड आंसर भी यही है कि व्हेन शुड यू डू वन पास शेव, कब करना चाहिए वन पास शेव, उसके पहले एलम। कुछ बार्बर शॉप्स में देखा है वो लोग क्या करते हैं, एलम लगाते हैं, उसके ऊपर डायरेक्ट क्रीम लगाते हैं, कोई भी निविया का या जो भी उनके पास होता है आयूर का वगैरह कोई भी लगाते हैं, और फिर लगाने के बाद थोड़ा सा मसाज करके फिर वो वॉश करते हैं, तो उससे मॉइस्चराइज हो जाता है और टोन भी हो जाता है। लेकिन हमारे यहाँ मुंबई में भगवान की कृपा से इतनी गर्मी है कि क्रीम लगाने की कोई ज़रूरत ही नहीं है। अब रिंस करूँगा और फिर क्वेश्चन एंड आंसर सेक्शन देखेंगे। सो आज का क्वेश्चन है, मुझे वन पास शेव करना चाहिए या मुझे प्रॉपर थ्री पास शेव करना चाहिए, टचअप्स वगैरह ये सब करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। सो देखो दोस्तों, वन पास शेव जनरली कौन से सिनारियों में काम आती है। नंबर वन, अगर आपको जॉब पे जाते हैं रोज़, आपको अगर ऐसा प्रेजेंटेबल रहने का जॉब है, सेल्स का जॉब है, मार्केटिंग का जॉब है, जहाँ पे आपको क्लीन शेव रहना ज़रूरी है, या अगर आप आर्म फोर्सेस में हैं, आर्मी एयरफोर्स या नेवी में, तो आपको क्लीन शेव रहना ज़रूरी है। इन दैट केस यू नीड टू डू अ डेली शेव। डेली शेव के लिए वन पास शेव बहुत अच्छी है, इसमें आपको क्लीन लुक भी मिलता है लेकिन आपको ज़्यादा इरिटेशन भी नहीं होता है क्योंकि आप सिर्फ एक ही बार स्क्रेप कर रहे हो, दैट्स इट। देखो लुक क्लीन है लेकिन अगर आप बारीकी से देखोगे तो आपको स्टबल दिखेगा। हमें इतना पास किसी की जाना ही नहीं है, कम से कम 2 से 3 फीट का डिस्टेंस रहता है, उसमें एकदम क्लीन दिखता है, लुक क्लीन आता है एकदम। एंड सेकेंड थिंग, मेरे हिसाब से मुझे ऐसा लगता है जिन लोगों की सेंसिटिव स्किन है और जो लोग मॉडर्न वेट शेविंग से ट्रेडिशनल वेट शेविंग में आना चाहते हैं, उनको शुरुआत में वन पास शेव ही करना चाहिए, एटलीस्ट एक दिन का गैप रख के, बिकॉज यू आर स्टिल एडजस्टिंग टू द ट्रेडिशनल वेट शेविंग। आप लोग एडजस्ट कर रहे हो ट्रेडिशनल तरीके से शेव करने में, तो आपको वन पास शेव ही करना चाहिए। जैसे जैसे आपका हाथ सेट होता जाएगा, जैसे जैसे आपको प्रैक्टिस होती जाएगी, जैसे जैसे आपको फील आ जाएगी, आप अपने पासेस धीरे धीरे करके बढ़ाते जाओ, एंड में आप अगेंस्ट अगेन भी कर लो, बट स्टार्टिंग में आप ऐसा मत करो कि फिर आप डिस्करेज हो जाओ। तो वन पास शेव इन सब सिनारियोज के लिए बहुत ज़रूरी है। एंड कभी कभी ऐसा भी होता है कि यार आपने मल्टीपल पास शेव कर ली और फिर एक दिन का गैप आया लेकिन अभी तक इरिटेशन गया नहीं है, लेकिन आपको प्रेजेंटेबल देना ज़रूरी है, तो आप क्या करोगे, वन पास शेव विद द ग्रेन। वन पास शेव इज ऑलवेज विद द ग्रेन, ऑलवेज। टचअप्स आप उसमें थोड़े बहुत अक्रॉस अगेंस्ट कर सकते हो, बट प्रॉपर वन पास शेव इज ऑलवेज विद द ग्रेन। यू आर नॉट एमिंग अ BBS, आपको परफेक्टली स्मूथ शेव आप एम नहीं कर रहे हो, वो आपका ऑब्जेक्टिव नहीं है, आपको सिर्फ क्लीन लुक चाहिए, दैट्स इट। सो थैंक यू वेरी मच फॉर जॉइनिंग टुडे, कीप अप द गुड शेव, बाय बाय, चाओ।